चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। एडिटिंग एक्टिंग के बाद डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले फिल्म मेकर योगेश मिश्रा की भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग अगले माह यानी जनवरी 2018 में शुरू किया जाएगा। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग लखनऊ में शूट किया जाएगा, साथ ही साथ उन्नाव और गोरखपुर के कुछ लोकेशन पर फिल्म के कई सीक्वेंस शूट किए जाने की योजना है। हालांकि प्री प्रोडक्शन के तहत योगेश अपनी फिल्म की पटकथा को जोर शोर से फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में योगेश की यह पहली भोजपुरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में कई धारावाहिक और फिल्मों में बतौर एडिटर और एक्टर काम कर चुके हैं। सीयू फिल्म्स और क्रिएटिव लैब्स के बैनर तले बनने जा रही भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को साइन कर लिया गया है। इस फिल्म के निर्माता दीपक कुमार है। फिल्म के बारे में दीपक कुमार कहते हैं कि दबंग सरकार का कैरेक्टर अभी तक भोजपुरी सिनेमा में नहीं देखने को मिला है। हमने दबंगई और सरकार को मिक्स कर एक अलग कहानी बनाई है। फिल्म में उस आम आदमी की कहानी है, पहले कुछ पाने की जद्दोजहद में रहता और जब उसके हाथ में पावर आता है तो वो सब कुछ कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिल्म के अन्य स्टार कास्ट के बारे में उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव इस फिल्म के मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। बाकी कास्टिंग काउच का काम जोर शोर से चल रहा है।